हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा होंगे। आज आपको बताएंगे कैसे आप बजाज फाइनेंस का बिल पेमेंट कर सकते हो अपना स्पाइस मनी से। सबसे पहले स्पाइस मनी आईडी को ओपन कर लेना है। उसके बाद में जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तरफ, तो यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको बीबीपीएस का। तो आपको नीचे तरफ दिखाते हैं भारत बिल पेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। जैसे भारत बिल पेमेंट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है, अलाउ कर लेते हैं। अलाउ करने का बाद में यहाँ पे नीचे तरफ लोन रिपेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्रोवाइडर है बजाज फाइनेंस, इनको सर्च कर लेना होगा। यहाँ पे जैसे बजाज फाइनेंस सर्च कर लेंगे तो इनका आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा एजेंसी का लोन पेमेंट होता है, लोन पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। बजाज फाइनेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में लोन अकाउंट नंबर जो होता है, इसमें लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ से आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ से आपका बिल फैच हो जाएगा और कितना आपका पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको 0.15% का कमीशन भी मिलता है। आपको वो भी दिखाएंगे कैसे मिलता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ से डाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ से फैच बिल करेंगे, फैच बिल करने का बाद ही आपका जो यहाँ से जितना सारा अमाउंट बनेगा वो अमाउंट वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, जैसे वहाँ पे एडिट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अमाउंट जो है अमाउंट यहाँ से डाल देते हैं। डालने के बाद में यहाँ से नीचे CCF करके एक ऑप्शन है, वो CCF अगर ऑन करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट काटा जाएगा चार्जेस के लिए, वो ना ऑन करने ही बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, कैश पर क्लिक करेंगे और पे कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी यहाँ पे डेली डेली जितना सारा पेमेंट करेंगे आपको एक्स्ट्रा कैशबैक दिया जा रहा है। 3 रुपये से 12 रुपये तक की कमीशन आपको दिया जा रहा है एक्स्ट्रा हर दिन का। यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने का बाद वो पेमेंट रिसिप्ट आप कस्टमर को दे सकते हो। आपका रिसिप्ट डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हो। आपको कमीशन कितना मिला है वो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जो कमीशन ट्रांजेक्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कमीशन ट्रांजेक्शन आ गया है और यही 3 रुपए के आसपास में आपको कमीशन मिल रहा है एक ट्रांजेक्शन पर। अगर आप 2000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसमें देख सकते हो एक कमीशन भी अच्छी खासा मिल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट हर ट्रांजेक्शन कर सकते हो जितना सारा लोन पेमेंट होता है। इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।